हेलो एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स चैनल आज के इस वीडियो में हम के लिए को देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज ए हार्मोन प्रीडोमिनेंटली मेड बाय दिल्स एंड एंटेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा ऐसा हारमोन है जो कि एडिपोस सेल्स और एंटेसाइट्स जो होती है इंटेस्टाइन की उससे बनता है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन ऑप्शन बी कैल्सिटोनिन ऑप्शन सी लेप्टिन ऑप्शन डी एड्रीन

एक थर्टी टू ईयर ओल्ड फीमेल है उसका हिस्ट्री है क्रॉनिक डायरिया का और गॉल ब्लडर स्टोन का इसके साथ ही एट प्रेजेंट उसको रेक्टोवेजनल फिस्टुला भी है ऐसी कंडीशन के आप कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है ऑप्शन ए एडल्ट ऑनसेट डिजीज ऑप्शन बी क्रोन्स डिजीज ऑप्शन सी ट्रॉपिकल स्प्रू ऑप्शन डी अल्सरेटिव कोलाइटिस राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्रॉहस डिजीज फिस्टूला की प्रॉब्लम और गॉल ब्लडर स्ट्रॉन जो होता है वो हमें कॉमनली जो है वो क्रॉन्स डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा अल्सरेटिव क्वालिटीज के अंदर यह कंडीशन नहीं देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन आई एंड ड्रॉपर वाइल इंस्टीलिंग आई ड्रॉप इज जब भी आप किसी आई ड्रॉप को इंस्टील कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आई और ड्रॉपर के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस कितना मेंटेन करना होगा आपको ऑप्शन ए वन टू टू सेंटीमीटर ऑप्शन बी फोर टू सिक्स सेंटीमीटर ऑप्शन सी एट टू टेन सेंटीमीटर ऑप्शन डी थ्री टू फोर सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जब भी हम आई ड्रॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वन टू टू सेंटीमीटर के बीच में हमें आई और ड्रॉपर के बीच में डिस्टेंस रखना है जब भी ये ड्रॉप्स हम इंस्टॉल करते हैं तो उसे लोअर आईलिट्स के अंदर स्टिल करना होता है इसी के साथ ही जो टिप ऑफ द ड्रॉपर है उसे हमें टच नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असेस व्हेन ए क्लाइंट हैज एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट है जिसको कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन असेस करेगी ऑप्शन ए एक्यूट लाइट सेंसिटिविटी ऑप्शन बी लॉस ऑफ कलर विजन ऑप्शन सी ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंट्रल विजन ऑप्शन डी सडन आई पेन हमें सबसे फर्स्ट ये देखना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सा ग्लोकोमा दिया गया है दो तरह का होता है एक ओपन एंगल होता है और एक क्लोज एंगल ग्लोकोमा है तो यहाँ पर क्लोजर ग्लोकोमा पूछा गया है तो उसके अंदर हमारा राइट right आंसर जाएगा ऑप्शन डी को सडन आई पेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सरेटिव अल्सरेटिव क्वालिस जो होता है तो उसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर ऑप्शन ए टर्मिनल एलियम ऑप्शन बी सिग्मोइड कॉलन ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी एनाल कैनल राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेक्टम। अल्सरेटिव कॉलाइटिस जो होता है वो आपको रेक्टम के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इसके अलावा जो टर्मिनल इलियम है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है क्रॉन्स डिजीज के अंदर और सिग्मोइड कॉलन जो होता है यह डाइवर्टिकुलोसिस इसके अंदर कॉमनली देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लैंड लोकेटेड बिलो हाइपोफिशियल फोसा ऑफ हाइपोफिशियल फोसा जो है स्पिनोइड वन का उसके नीचे कौन सी ग्लैंड का लोकेशन देखने को मिलता है आपको ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं यह है पिट्यूटरी ग्लैंड इसका जो लोकेशन होता है वो स्टीरोड बोन के हाइपोफिशियल फोसा के नीचे होता है यहाँ पर हमें इमेज के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है इसके दो पार्ट्स होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होती है उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है थाइमस ग्लैंड जो होती है वो रेट्रोस्टर्नल पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख रहे हैं अब हम बात करते हैं थाइरोयड ग्लैंड की लोकेशन के बारे में थारॉयड ग्लैंड जो होती है वो राइट लोब और लेफ्ट लोब दो के अंदर डिवाइडेड होती है और बीच में यह जो है इस से कनेक्टेड होते हैं दोनों लोब अब लास्ट बच गया हमारा एड्रीनल ग्लैंड जिसे कि आप सुप्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं यह हमारी बॉडी के अंदर दो एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेंटल स्टेटस चेंजेस में अगर वेन ए क्लाइंट विथ न्यूमोनिया इज फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया एक क्लाइंट है न्यूमोनिया का वो जब भी सबसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है हाइपोक्सिया का तो उसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमें ऑप्शन में से देखने को मिलेगी ऑप्शन ए कोमा ऑप्शन बी एपैथी ऑप्शन सी डिप्रेशन ऑप्शन डी इरिटेबिलिटी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इरिटेबिलिटी एपेथी और डिप्रेशन जो है ये हमारी साइकेट्रिक इलनेस से रिलेटेड ऑप्शंस हो जाएंगे और कोमा जो होता है वो हमें लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग के अंदर नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर हमें न्यूमोनिया के बारे में पूछा गया है जो कि आपको पता ही होगा इसके अंदर लंग पेरेंकाइमा जो होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिवर सिरोसिस पेशेंट अमोनिया लेवल इज एलिवेटेड एंड द एचसीपी प्रिस्क्राइब थर्टी एम एल ऑफ लैक्टोलोज विच इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस ड्रग एक लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है जिसके अंदर के सीरम अमोनिया का लेवल एलिवेट हो गया है इसी कंडीशन के अंदर एच ने प्रिस्क्राइब किया है थर्टी एम एल देने का इसके अंदर हमें यह पूछा गया है कि कौन सी ऐसा साइड इफेक्ट है जो कि हमें इस ड्रग के साथ देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इंक्रीज यूरिन आउटपुट ऑप्शन बी डायरिया ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन ऑप्शन डी डिक्रीज पॉवेल मोमेंट राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डायरिया हमें यहाँ पर साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया देखने को मिलेगा यूरिन आउटपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा इसके अलावा लेप्टोलोज के साथ हमें जो बॉवेल मोमेंट है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी डिक्रीज यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स शुड टीच क्लाइंट्स दैट द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिटिंग ट्यूबरकल बेसिलइट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज थ्रो कॉन्टामिनेटेड ट्यूबरकल फेसिलाई जो होते हैं उसका पर्सन टू तो पर्सन कौन सा कॉमन रूट है ट्रांसमिशन का ऑप्शन ए डस्ट पार्टिकल ऑप्शन बी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ऑप्शन सी वाटर ऑप्शन डी इटिंग यूटेंसिल राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है यह एक एयरबोन इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से

ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि एक्सपेक्ट करेगी नर्स इस पेशेंट के अंदर ऑप्शन ए स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन ऑप्शन बी नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर ऑप्शन सी डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स ऑप्शन डी ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स होगा वो हमें एटिलेक्टिस वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट इज हैविंग अल्सरेटिव कोलाइटिस विच एक्शन शुड टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक पेशेंट है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का इसका जो मैनेजमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में करेंगे तो सबसे फर्स्ट में हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा ऑप्शन ए मैनेजिंग डायरिया ऑप्शन बी प्रमोट सेल्फ केयर ऑप्शन सी रेस्ट एंड कम्फर्ट ऑप्शन डी प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन राइट right आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मैनेजिंग डायरिया अल्स्ट्रेटिव कॉलिस जो कि इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है इसका मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो फर्स्ट डेप हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर हमें डायरिया को मैनेज करना होगा क्योंकि इसकी वजह से फिर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है और फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद कैंसर ऑफ पेनक्रियास एंड इज एप्रीहेंसिव एंड रेस्टलेस विच नर्सिंग एक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर एक कैंसर ऑफ पेनक्रियास वाला पेशेंट है जिसके अंदर की एप्रीहेंशन और रेस्टलेस देखने को मिल रहा है आपको जब भी इसका हम केयर प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग एक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए ऑप्शन ए एनकरेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेट एंटीबायोटिक एज प्रेस्क्राइब ऑप्शन सी एक्सप्लेनिंग दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ऑप्शन डी टीचिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेटिंग बेड रेस्ट राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एनकरेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न हम पेशेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी उसके डाउट्स है उसे एनकरेज करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं हम उसे एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा इसके अलावा टीचिंग भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं रहेगा